नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस के बारे में लास्ट डे में क्या करें और क्या ना करें। लास्ट डे बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लास्ट डे ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा। क्योंकि लास्ट डे में आप यदि गलत स्ट्रेटजी करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप लास्ट डे में ज़्यादा ये मत जाइए, डीपली मत जाइए, जॉन वाला नहीं पढ़े हैं उसको मत पढ़िए। क्योंकि लास्ट डे में आप यदि वो उस सब पढ़ने जाइएगा तो आपका जो पढ़े हैं वाला रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा हो सके तो टेस्ट मारिए, टेस्ट मारिए, रोज़ 2 को टेस्ट मारिए और हो सके तो रिवीजन पूरा कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और लास्ट डे में आप घर में भी बोल दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम है। आपको कोई भी कुछ भी काम दे तो आप डायरेक्ट घर में बोल दीजिए, पापा रहे, मम्मी रहे, चाहे भैया रहे, चाहे भाभी रहे, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि हमको 1 महीना अभी तक काम मत दीजिए। क्योंकि अभी लास्ट डे है, आपके ऊपर में ही निर्भर है कि आप सिलेक्शन लीजिएगा या नहीं लीजिएगा वाला। और लास्ट डे में आप दिन रात को एक कर दीजिए, क्योंकि आप दिन रात 1 महीना ज़्यादा पढ़िएगा तो आप मर नहीं जाइएगा। आप ये सोच लीजिए कि मर जाना है तो मर जाना है, लेकिन ये वाला एमटीएस निकालना है तो निकालना है। यदि ये आप नहीं ठान लेते हैं तो आप एमटीएस निकाल ही नहीं पाएंगे, एमटीएस का कुछ भी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएगा। आपको एक ठानना पड़ेगा कि हाँ हमको ये वाला एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, चाहे कोई हालत में निकालना हो, चाहे जी जान ना चल जाए, आप ये एमटीएस निकालना है तो निकालना है। एमटीएस बहुत अच्छा नौकरी है, एमटीएस जैसा नौकरी नहीं मिलेगा। आदमी बोलता है कि झाड़ू पोछा वाला काम मिलेगा, ऐसा काम मिलेगा, वो सब गलत बात है। आपका यदि हुनर है, कंप्यूटर जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं, तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग में ही नौकरी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अभी पढ़िए, जितना हो सके, और ज़्यादा मन को मत भटकाइए इधर उधर, जितना हो सके पूरा पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, टेस्ट मारिए, टेस्ट रोज़ मत भूलिए। अभी फ़िलहाल तो रोज़ 2 टेस्ट मारिए, 2 टेस्ट में जहाँ गलती हो रहा है वहाँ पर इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस का लास्ट डे का स्टडीज क्या करें। अब लास्ट डे बचा है दोस्तों, अब आप क्या कीजिए, इसमें मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और आपका कहाँ पर गलत हो रहा है उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। और बात यह रहा कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरा एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो ये गलत फहमी में मत रहेगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस जैसा ही रहेगा, 10 लेवल का है, 10 लेवल जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। आप ऐसा कीजिए कि इंग्लिश में मान के चलिए अभी आप रीडिंग मारने जा रहे हैं, फर्स्ट हैं, तो ये गलती मत कीजिए कि आप अभी इंग्लिश में ही रह जाइए। क्योंकि अभी 15 दिन बचा है, 15 दिन में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप यदि अभी से रीडिंग मार रहे हैं तो ये मत सोच लीजिए कि हम 15 दिन में इसमें हम इंग्लिश कर पाएंगे। यदि आप पहले से ही कर रहे हैं इंग्लिश और पहले से ही रीडिंग मार रहे हैं तब ठीक है, नहीं तो अभी फ़िलहाल आप यदि नए हैं तो ज़्यादा रीडिंग ना करें, अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारे। और टेस्ट में कहाँ पर गलती हो रहा है, सिर्फ टेस्ट ना मारे, टेस्ट में देखिए कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है। और गलती हुआ एक बार में मान के चलिए 100 क्वेश्चन आप टेस्ट मार दिए, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हुआ, देख लिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद अगला टेस्ट मारिए। और जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको 2 बार 3 बार बनाइए, क्योंकि हो सके वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। और ये बात आप ऑनलाइन में भी टेस्ट मारिए और ऑफलाइन में भी टेस्ट मारिए। ऑनलाइन में आपका हम तो सजेशन करेंगे कि टेस्ट बुक खरीद लीजिए, हम तो टेस्ट बुक लिए हैं, टेस्ट बुक से टेस्ट मारते हैं, क्योंकि टेस्ट बुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा टेस्ट देता है आपको, इसीलिए टेस्ट बुक लीजिए। और रोज़ टेस्ट बुक एक गो मारिए, टेस्ट बुक से, और बुक से एक गो मारिए, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा। बुक से ये वाला मारिए, फिर भी और ये जो क्वेश्चन आया है वाला क्वेश्चन को मारिए, ये नहीं कि कोई भी टेस्ट को मार रहे वैसा नहीं। आपका पिछला साल कैसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, आप यदि पिछला साल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका हर क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में लगभग कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम सेम टू सेम नहीं भी बोलेंगे, लेकिन हूबहू मिल जाएगा क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन फिर भी और का मतलब मिल जाएगा। क्योंकि उसमें उन लोग को भी सेट करना, कितना क्वेश्चन सेट करेगा, वही बात हो रहा है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिए, पिछले साल का जितना भी टेस्ट हो सके वो सब टेस्ट मारिए।
और ज़्यादा अभी ध्यान मत दीजिए कि हम ये वाला नहीं पढ़े हैं तो क्या करें। अभी नया नया टॉपिक कुछ मत पकड़िए, अभी यदि नया टॉपिक पकड़ने जाइएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। एसएससी एमटीएस है, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसीलिए मेरे दोस्त हम बोल रहे हैं ये वाला सीजीएल लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सीजीएल लेवल का तैयारी मत कीजिए, आप एसएससी एमटीएस है 10 लेवल का है, 10 लेवल का तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप यदि तैयारी ठीक से किए हैं तो। क्योंकि इसमें आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीन ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नंबर को उठा सकता है। और हम बोलेंगे जीके का, जीके तो समुंदर है, क्योंकि जीके में आप नहीं कर पाएगा उतना, कितना भी पढ़ लीजिएगा। जहाँ ज़्यादा जीके में ध्यान दे रहे हैं उसमें आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा आपका ही। और बोल रहे हैं कि करेंट अफेयर्स में भी ध्यान दीजिए, करेंट अफेयर्स को मत छोड़ दीजिएगा। करेंट अफेयर्स और जीके को मतलब ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दे, पूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि वही वाला पास नंबर लाता है, क्योंकि इसमें कटअप बहुत जाता है। आप ये इतना कर लीजिए कि 85 तक नंबर आप यदि सही करनी है तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और 85 नहीं होता है, आपको गलत, आप मान के चलिए अभी 75 ही क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हैं, 75 नंबर ही बनाइए आप, वहाँ पर आगे गलती मत मारिए, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें भी नंबर बढ़ता है। आप 75 मारे हैं, हो सकता है आपका शिफ्ट में हार्ड आया हो तो आपका एक ही बार 15 नंबर बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अभी ज़्यादा टेस्ट में ध्यान दीजिए, टेस्ट में ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल किस लेवल का में है आप। क्योंकि 75 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका जान लीजिए कि सिलेक्शन होने का चांस है, ऐसे 80 नंबर लाइएगा तो पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा, 75 नंबर में उतना चांस नहीं रहेगा क्योंकि कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।